सो कल हमने अटेंड किया था ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहम्मदन मैच, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। सो इस मैच में ईस्ट बंगाल के लिए एंड मोहम्मदन के लिए क्या नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, उसको लेकर ही बात करेंगे इसी वीडियो। सो आई एम योर होस्ट अंकन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एट फर्स्ट दोनों टीम के लिए क्या क्या पॉजिटिव रहा उसको लेकर बात कर लेते हैं। सो एट फर्स्ट ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो ईस्ट बंगाल के लिए काफी अच्छा मैच जाएगा ये वाला, क्योंकि 30 मिनट के अंदर ईस्ट बंगाल ने दो रेड कार्ड देख लिया था, एट फर्स्ट नंदकुमार एंड उसके बाद ही महेश ने देखा, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल है, उसके ऊपर हम एकदम लास्ट पे आएंगे। क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बात करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव बात है कि 9 मैन डाउन होने के बाद भी ईस्ट बंगाल ने एक भी गोल कॉन्सीड नहीं किया, के क्लीन शीट रखा इस मैच में। डिफेंस ने काफी अच्छा खेला, स्पेशली अनवार अली एंड हिजाजी एंड मोहम्मद राकिब ने भी इस मैच में काफी अच्छा कमबैक किया के अपने फॉर्म। ईस्ट बंगाल इस मैच में उतना ज्यादा अटैक क्रिएट नहीं कर पाया, ऑब्वियस रीजन क्योंकि उनके दो की विंगर्स महेश एंड नंदा कुमार दोनों ही रेड कार्ड के रीजन से ग्राउंड के बाहर हो चुके थे, जिसके रीजन से उतना ज्यादा अटैक तो नहीं कर पाए। बट मोहम्मदन ने जो अटैक्स क्रिएट कर रहा था पूरे मैच में, मोहम्मदन ने ही अटैक किया के सबसे ज्यादा एंड उन अटैक्स को काफी अच्छी तरह से ईस्ट बंगाल के डिफेंडर्स ने रोक के रखा था। एंड सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ईस्ट बंगाल के लिए, ईस्ट बंगाल ने फास्ट पॉइंट गेन किया आईएसएल में। इससे पहले बैक टू बैक 6 मैचेस ईस्ट बंगाल ने लूज किया था एंड 7th मैच में आके, जो कि लग भी रहा था एप्स चैलेंज लीग में, इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद सभी ने होप्स, आपने भी एक्सपेक्ट किया था कि ईस्ट बंगाल मोहम्मदन वाले मैच से पॉइंट निकाल के लाएगा एंड वही हुआ। बट अपने दोनों की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की मिसिंग की रीजन से ईस्ट बंगाल ने इस मैच को जीत नहीं पाया। एटलीस्ट 1 पॉइंट से भी ईस्ट बंगाल खुश रहेगा, क्योंकि काफी टाइम बाद आईएसएल में उनको पॉइंट मिला एंड इससे प्लेयर की मेंटेलिटी भी थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा एंड आगे जाके ईस्ट बंगाल काफी बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉजिटिव पॉइंट, ईस्ट बंगाल ने इस मैच को क्लीन शीट रखा है। मोहम्मदन के एक के बाद एक अटैक के बाद भी ईस्ट बंगाल अपने इस क्लीन शीट को रखा के, जो कि अपने डिफेंडर्स के अंदर काफी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन की तरह काम करेगा एंड प्रोपसुखन गिल की भी मेंटेलिटी में थोड़ा सा चेंज लाएगा, क्योंकि अभी तक आईएसएल में यही ईस्ट बंगाल का फास्ट क्लीन शीट है, इसीलिए ये क्लीन शीट प्रोपसुखन गिल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मोहम्मदन की पॉजिटिव साइड पे आते हैं, जो कि उतना कुछ नहीं है, फिर भी मोहम्मदन ने बैक टू बैक मैचेस लूज किया था आईएसएल में, बट उसके बाद जाके ईस्ट बंगाल के क्लब ड्रॉ, ये भी मोहम्मदन के खिलाड़ियों के अंदर एज ए पॉजिटिव मेंटेलिटी काम करे एंड स्पेशली क्लीन शीट रखा मोहम्मदन, वो भी एक अलग एडवांटेज देगा उनके डिफेंस एंड गोलकीपर को। स्पेशली कल भास्कर राय को स्टार्ट किया गया था एंड उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन की तरह काम करेगा। सो अब नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं, सबसे पहले ईस्ट बंगाल, एंड ईस्ट बंगाल के लिए उतना ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। तो सबसे फास्ट नेगेटिव पॉइंट, अपनी विंग प्ले बंद हो जाना इस मैच, महेश एंड नंदा कुमार दोनों की रेड कार्ड हो जाने के बाद एकदम कंप्लीट तरीके से विंग प्ले खत्म हो जाता है एंड विंग प्ले से ही ईस्ट बंगाल अपने ज्यादातर अटैक्स को क्रिएट करता है। तो विंग प्ले बंद हो जाने के रीजन से ईस्ट बंगाल ने इस मैच में उतना ज्यादा अटैक क्रिएट नहीं कर पाया। एंड सेकेंड नेगेटिव पॉइंट, बैकअप स्ट्राइकर, अब दियामान ताकोस ने काफी कोशिश किया इस मैच में, बट उनको हेल्प करने के लिए और एक खिलाड़ी की जरूरत है। क्लेटन सिल्वा सेकेंड हाफ में आए बट उतना ज्यादा नजर नहीं आए, इजिली मोहम्मदन के खिलाड़ी उनसे बॉल स्नैच कर रहे, तो क्लियरली नजर आ रहा कि क्लेटन सिल्वा की एज, तो ये एक बिग फैक्टर रहेगा। होप्सो विंटर ट्रांसफर विंडो में ईस्ट बंगाल एक न्यू अटैकिंग प्लेयर को साइन करे, होप्सो की रॉबसन रवीनो ही सबसे पहले चॉइस रहेंगे, क्योंकि ऑस्कर ब्रूजन है एंड वसुंधरा किंग्स में ऑस्कर ब्रूजन के साथ रॉबसन रवीनो का काफी अच्छा रिलेशन रहा था, जिसके रीजन से वो फास्ट चॉइस बन सकते हैं। और इसके अलावा उतना कुछ नेगेटिव कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप 9-9 डाउन होते एंड उसके बाद भी आप क्लीन शीट रख पाते हो, तो वो आपके पॉजिटिव में ही आएगा। अब हम आ जाते हैं मोहम्मदन की नेगेटिव साइड्स पे, जो कि काफी सारे हैं। तो सबसे पहले कि इनकी अटैकिंग में काफी कुछ चेंजेस लाना होगा, विंटर ट्रांसफर विंडो में एक प्रॉपर स्ट्राइकर की जरूरत है, क्योंकि फ्रैंक का जो इनके स्ट्राइकर थे उन्होंने इस सीजन 22 से भी ज्यादा गोल स्कोरिंग सिचुएशन को क्रिएट किया, बट उतना ज्यादा कॉन्वर्शन रेट उनका नहीं रहा। इस मैच में भी उन्होंने काफी सारा शॉट लिया के, बट गोल कॉन्वर्शन उतना कुछ खास नहीं। इसके साथ साथ फ्रैंक के अलावा और कोई खिलाड़ी अटैक में गोल स्कोरिंग मेंटेलिटी में नजर नहीं आ रहा है मोहम्मदन टीम के लिए।
एंड सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है एलेक्सिस की सब्स्टिट्यूशन, जो कि 30 मिनट के आई थिंक फास्ट हाफ में ही कर दिया गया था। क्यों किया गया उसका कोई रीजन अभी तक हमें नहीं बताते, बट एलेक्सिस मोहम्मदन टीम के की प्लेयर के, उनसे ही अटैक की स्टार्ट होता एंड उनके सब्स्टिट्यूशन के बाद मोहम्मदन की मिडफील्ड में जो क्रिएटिविटी हमें देखने के लिए मिल रहा था फास्ट हाफ में वो बंद हो जाता है एंड कम्प्लीटली सेकेंड हाफ में मोहम्मदन ने तो अपने विंग प्ले से अटैक क्रिएट करने की कोशिश किया बट उतना ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया फिर भी। एंड अगर एलेक्सिस ग्राउंड पे रहते तो शायद मोहम्मदन इस मैच को जीत भी सकता था। तो ये था इस मैच की एक छोटा सा रिव्यू एंड अब हम आते हैं दोनों रेड कार्ड पे। तो एट फर्स्ट जो फास्ट रेड कार्ड नंदा कुमार को दिखाया गया था तो उसमें मुझे लगता है पर्सनली कि आप येलो कार्ड दे सकते थे नंदा को, डायरेक्ट रेड थोड़ा सा हार्श हुआ क्योंकि नंदा ने कुछ हैंड मूवमेंट किया था वो क्लियरली कैमरा पे नजर आया अमरजीत सिंह के ऊपर, तो आप एक येलो दे सकते थे बट रेड आई थिंक वो जस्टिफिकेशन नहीं होता के नंदा के केस में। बट महेश ने जो किया था वो डेफिनेटली रेड आप मान सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वो येलो पे थे एंड उन्होंने जो बिहेव किया नंदा की रेड कार्ड के बाद उसके बाद उनको और एक येलो मिलता है तो डबल येलो के रीजन से महेश बाहर हो जाते थे। तो महेश के रेड कार्ड को लेकर मुझे उतना ऑब्जेक्शन, आई थिंक किसी को भी उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, बट नंदा ने जो रेड कार्ड देखा था वो शायद येलो कार्ड भी हो सकता था। तो यही मुझे लगता है इन दोनों कॉन्ट्रोवर्सियल रेड कार्ड डिसीजन के ऊपर। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। एंड इसी के साथ नीचे आपको इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी वीडियोस नजर आ रहा होगा, उनको भी चेकआउट कर लीजिए।